वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्मूला का निचोड़, यानी कि फॉर्मूला आता कहाँ से, कैसे बनाते हैं, क्या करें, क्या दिमाग लगाएं हम कि फॉर्मूला को याद नहीं करना पड़े, क्योंकि त्रिकोणमिति में फॉर्मूला तो बहुत सारा है और सब फॉर्मूला अलग अलग प्रकार का है। पता ही नहीं चलता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाएं, कब लगाएं, क्यों लगाएं, कैसे लगाएं, लेकिन ये सब का सॉल्यूशन हम लोग आज निकालेंगे और आपके एग्जाम में सबसे बेहतर नंबर लाने वाले आप होंगे, क्योंकि आपको 1% डाउट फॉर्मूला में नहीं रहेगा। आपको रटना नहीं है फॉर्मूला, फॉर्मूला को समझना है, फॉर्मूला का ट्रिक तैयार करना है। ऑलरेडी हम कहानी के जरिए बता चुके हैं, यहाँ कुछ ट्रिक के जरिए बताएंगे, लेकिन त्रिकोणमिति में आपको एक काम करना पड़ेगा, लाइन से 6 नाम उसका याद होना चाहिए। आपको 6 नाम बस लाइन से याद रखिए, उसके बाद आपको 1% हेजिटेशन नहीं आएगा, टोटल फॉर्मूला आप बता देंगे। देखिए कैसे त्रिकोणमिति में होता क्या है, आता है सबसे पहले आते हैं साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। ग्रुप वाइज याद कीजिए, साइन कॉस टेन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 का ग्रुप हो गया। उसके बाद आता है कॉसेक थीटा, कॉसेक के लास्ट में क्या आ रहा है, सेक आ रहा है, यही एक बार रिपीट कर दो, सेक थीटा, और ये होता है कॉट थीटा। ये 6 नाम आपको लाइन से याद होना चाहिए, तब आपको फॉर्मूला याद इजी वे में हो जाएगा। 3 ये साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक सेक और कॉट, ये तो नाम याद हो जाएगा। एक नाम याद, ये कॉसेक लास्ट वाला एक बार बोल दीजिएगा, सेक, तो कॉसेक सेक और कॉट। कॉट कैसे याद कीजिएगा, तो देखिए ये 3 ठो है, 3 नंबर में इसमें क्या आता है, टी, और इसमें भी 3 नंबर में क्या आएगा, टी आएगा। ये बता रहे हैं हम आपको, क्यों बता रहे हैं, देखिए साइन जो भी होता है उसका उल्टा कॉसेक होता है, यानी कि अगर इस 3 ग्रुप का बात करें, 3 ग्रुप का बात करें, ठीक है, तो 3 इस ग्रुप का पहला वाला इसके पहला वाला के उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर अगर लंब बट्टा कर्ण हो, ठीक है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उसी का उल्टा, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर अगर आधार बट्टा कर्ण है तो कॉस का उल्टा सेक होता है, क्या होता है, कॉसेक। उल्टा याद कैसे कीजिएगा, इसका भी ट्रिक समझिए, कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है, तो एक में नाम याद रखिए ना, कॉसेक, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है, और इसका कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का अपोजिट टी वाला ही होता है, इसमें भी टी है तो सी ओ टी, इसमें भी टी है तो ये इसका उल्टा होता है, और ये आपका थीटा हर जगह लिख दीजिएगा, ठीक है, क्यों की तरह कभी कभी दिख रहा होगा, तो यहां पे थीटा ऐसे आप बनाइएगा, ठीक है। तो ये तो याद आपको हो गया, कौन किसके उल्टा हुआ, कैसे, ये टी है इसमें भी टी है तो टेन का उल्टा कॉट, ये हमेशा याद रहेगा। इसका उल्टा समझना होगा तो कॉस का उल्टा सेक, कॉसेक, ठीक है। अब बड़ा वाला सबसे, इसमें सबसे बड़ा नाम कौन है, कॉसेक ही तो है, तो बड़ा वाला सबसे पहला वाला का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। अभी हम कुछ नहीं, बस उल्टा बताए हैं, सही से समझिए कि हम बताना क्या चाहते हैं और ट्रिक कैसे बताना चाहते हैं। देखिए नाम आपको याद हो गया होगा, शुरू में क्या था, साइन थीटा, फिर क्या था, कॉस थीटा, फिर क्या था, टेन थीटा, फिर क्या था, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इस ग्रुप के 3 को उठा के इसके सामने रख दो, कहां रख दो, इस 3 को उठा के सामने रख दो, यानी कि इसके सामने रखो कॉसेक, उल्टा होता है ना, इसके सामने रखो सेक थीटा और इसके सामने रखो कॉट थीटा, समझ आए इतना। इन 3 को उठा करके लाइन से था यहां रख दिए और बीच में लगा देना है मल्टीप्लाई, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1, क्या हो जाता है, 1, समझ में आया। देखिए तो फॉर्मूला कितना आसानी से, आपसे कोई पूछेगा साइन थीटा इंटू, इसको इंटू बोलते हैं, मल्टीप्लाई बोलते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, बस इन 3 को उठा के सामने रख देना और बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, नहीं भी लगाएगा तभी भी वही फॉर्मूला होता है। आपको बताए थे कि जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ भी मल्टीप्लाई, 2 अलग अलग नंबर यानी कि 2 अलग अलग नाम के बीच में मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 1 वाला फॉर्मूला समझ में आएगा। देखिए कैसे 40-50 फॉर्मूला बन जाता है और क्या होता है कि बहुत सारा, इतना मतलब टेंशन हो जाता है कि इतना याद कैसे करें, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखिए इस फॉर्मूला को उठाइए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा,
ये क्या है, ये भी ग्रुप का पहला है और दूसरा ग्रुप का ये वाला पहला है, दूसरा ग्रुप का दो नंबर वाला, इसका भी दो नंबर वाला, बराबर में क्या होता है वन। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, यहाँ से साइन थीटा बराबर, तो देखिए जिस चीज के बारे में बात किया जाता है उसको अकेले रखते हैं। आपसे पूछे हैं साइन थीटा, तो कॉस थीटा को उधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, वन बाई कॉसेक थीटा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा को यहीं पर रखिए, साइन को इधर भेज दीजिए, वन बट्टा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। बताइए एक फॉर्मूला से तीन फॉर्मूला बना कि नहीं, अगर हम इसको पूछेंगे तो ये वाला नीचे होगा, अगर कॉसेक को पूछेंगे तो साइन वाला नीचे होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब इसका भी देख सकते हैं आप, अगर हम कॉस पूछे तो जो दिखेगा वो नीचे आ जाएगा, पूछेंगे आपसे ये वाला कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो यहां क्या हो जाएगा वन बटा सेक थीटा हो जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा। अगर पूछेंगे आपसे सेक थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, तो कहां आ जाएगा कॉस आ जाएगा, वन बटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया और दो ठो इसका ये हो गया, ठीक है, ये वाला। तीन नंबर वाला भी वैसे ही तो होगा, जब टेन पूछा जाएगा तो इसको यहीं पे रखो, इसको बट्टा में भेज दो, तो टेन थीटा बराबर वन बट्टा कॉट, और जब कॉट पूछा जाएगा तो टेन चला जाएगा। तो देखिए इस तीन फॉर्मूला को याद करने का तरीका बता दिए, लाइन से छः लिख दीजिए, तीन को उठा के सामने रख दीजिए और बीच में मल्टीप्लाई, फॉर्मूला हो जाएगा तैयार, ठीक है। जब ये फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा उस हिसाब से आप साइन थीटा निकालना होगा तो इसको भेजिएगा, कॉसेक निकालना होगा तो इसको भेजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो शेयर करते रहिए सेशन को। अब देखिए एक तो आप समझ गए, ये आप निकाल लीजिएगा, यानी कि एक फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला बन जा रहा है, तीन फॉर्मूला, तो तीन इससे तीन इससे तीन इससे टोटल फॉर्मूला नौ हो गया, ठीक है, नाइन फॉर्मूला हो गया। अब अगली बार हम लोग देखते हैं, हम लोग सिर्फ पहले वन वाला जाने कि पहले वन वाला फॉर्मूला होता कितना है और सब फॉर्मूला उसी से बनेगा। वन वाला तीन ठो हो गया। अब यहाँ देखिए एक होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला दूसरा है ना जी, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये होता है वन, ठीक है। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इसको कैसे याद रखेंगे, बस इसको थोड़ा सा देखिए, ठीक है। ये पहला है, देखिए ये मल्टीप्लाई वाला था, आई प्लस और माइनस वाला है, तो पहले प्लस आएगा कि माइनस, पहले प्लस आएगा। तो साइन थीटा अपन है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वन होता है, ठीक है। ये बस आप याद रखिएगा इतना कि ये वन होता है, ठीक है। पहला साइन और कॉस को जोड़ दीजिएगा स्क्वायर करके तो क्या होता है वन। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से आप बताइए कि डायरेक्ट साइन थीटा का बात किया है तो कैसे बनाइएगा। एक काम करते हैं, इसमें से अगर साइन थीटा निकालिएगा तो साइन थीटा को अकेले छोड़िए तो ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी आपसे क्या पूछे हैं साइन थीटा, तो बताइए स्क्वायर है ना यहाँ पे, यानी कि हम स्क्वायर साइन स्क्वायर पहले इसको भेज दिए हैं तो अकेले ये बचा। हमको पूछा गया है साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आया। यानी हमको साइन थीटा पूछा गया था तो इसको हम भेज दिए, जिसको पूछा जाता है जिसका वैल्यू उसको अकेले छांटते हैं। अगर आपको अपने लाइफ में आपका वैल्यू बनाना है ना तो आप अकेले आपको रहना, आदत डाल लीजिए अकेले का, ठीक है। जिस दिन किसी और की आदत लग जाएगी पागल हो जाओगे, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे देखो हमको साइन थीटा निकालना है, इसका वैल्यू बनाना है तो इसको अलग छांटे पहले हम, तो अलग होने के लिए किसी से डायरेक्ट अलग हो गए ना तो बड़ी दुख होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे अलग करते हैं, पहले कॉस को हटा दिए, प्लस में था इधर गया तो माइनस में। अब साइन थीटा सोचा कि इस स्क्वायर को कैसे हटाए, ये बहुत ज़्यादा करीब है, लास्ट में हटा है स्क्वायर को उधर भेजा तो ये किस में बदल गया, रूट में बदल गया। यहाँ क्या बच गया साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा के साथ याद रखिएगा कॉस रहता है तो उधर गया है तो क्या वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में हो गया है। अब आपसे पूछा जाएगा तनी ये वाला निकाल के दिखाइए तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, सिंपल, जब साइन यहाँ पर है तो कॉस इधर हो जा रहा है, तो जब कॉस इसके जगह पे है तो इसके जगह पे कौन आ जाएगा साइन, यानी कि एक बार ये दर्द झेल रहा है, दूरी होने का दर्द झेल रहा है, ये बाहर है तो जब ये अंदर जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें करना क्या है, जब ये बाहर आएगा तो इसके पड़ोस वाला ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप ऐसे, तो अब देखिए तो यहाँ पे
एक फॉर्मूला से 1, 2, 3, 4 एक और स्क्वायर वाला भी बन सकता है 5। आप देख सकते हैं कि मात्र 6 फॉर्मूला से 32, 33 या 40 फॉर्मूला तक त्रिकोणमिति में बन जाता है, और आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा याद करने के लिए, और आपको कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन ट्रिक देखिए, पहले नाम लिख लीजिए, फिर इन तीनों को उठा के सामने लिख दीजिए और तीनों में मल्टीप्लाई लगा दीजिए तो ये निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो इस जिसका पूछे उसको वहीं पे छोड़ो, बाकी को नीचे भेज दो। गुणा में था तो भाग में हो जाता है, जोड़ में होगा तो घटाव में हो जाता है, यानी कि इस होता क्या है, प्लस में होगा तो माइनस में, और माइनस में होगा तो जैसे बराबर जंप करेगा उसका सिंबल बदल जाएगा, प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस, मल्टीप्लाई होगा तो भाग और भाग होगा तो मल्टीप्लाई। तो भाग हम लोग सिंबल नहीं देते हैं, बट्टा में लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमको ये वाला याद करना है, याद कराना है, आपको समझाना है। ठीक है, ये वाला कैसे याद कीजिएगा, ये दोनों फॉर्मूला ये देखिए। एक चीज़ आपको याद हो गया होगा, वो चीज़ क्या है ध्यान से समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, यानी इसका पहला वाला इसके दूसरा वाला दोनों जोड़ दोगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। हम गुणा वाला कहानी खत्म कर चुके हैं, अब हमको प्लस और माइनस वाला। ये याद कैसे हुआ कि सेक के साथ 10 जाएगा, एक ही गो ट्रिक है, याद रखो कि मामला को सेट कर देना है तब जाके इस याद होगा। क्या कर देना है, सेट, याद रखना है सेट नाम, याद रखो क्या कर दो, मामला को सेट कर दो। साइन कॉस तो याद हो ही गया, लेकिन ये सब मामला सेट रहेगा तब ना, यही मेन है। तीन ठो मल्टीप्लाई वाला तो याद हो गया, बस तीन वो खाली उठा कर रख दो और मल्टीप्लाई लगा दो, 1 हो जाता है, लेकिन ये तो सेट करना पड़ेगा ना। तो से हो जाएगा सेक थीटा, और टी से हो जाएगा 10 थीटा। यहाँ भी स्क्वायर, हर जगह स्क्वायर वाला होगा, यहाँ क्या होगा माइनस, बराबर में क्या होता है 1। समझे, मामला को क्या कर देना है, सेट। आई देखो ये तीनों एगो ग्रुप है, ये ग्रुप नंबर 4 है, आई सब में चारों में स्क्वायर है, चारों में क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक जगह प्लस और दो जगह क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, यही याद रखना है कि साइन और कॉस के साथ प्लस, बाकी जो भी आएगा स्क्वायर वाला उसके साथ क्या रहता है माइनस रहता है। मामला को सेट कर दो, तो सेट सेक से हो जाएगा सेक थीटा और टी से हो जाएगा 10 थीटा। स्क्वायर था तो स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब ये कैसे याद रखोगे आप बताइए, इस पूरा 6 नाम में सेक है कहीं, और कहीं सेक लिखा है, यहाँ लिखा है सेक, तो एक तो लिखा है तो ये लिख दिए हैं। ठीक है, और इस कौशिक में भी सेक है, तो सेक जहाँ है तो कौशिक में भी सेक आ रहा है, COSEC, स्क्वायर तो रहेगा ही माइनस। अब बताइए यहाँ क्या लिखा है, ये तो सेक लिखा था तो हमने सेक लिख दिया, यहाँ इसमें सेक है, ये टी है, और बताइए इसमें कहीं टी है, 10 को छोड़ करके, क्योंकि 10 तो आपने लिख दिया, यहाँ देखो 10 है कॉट में, टी है ना यहाँ पे, तो कॉट लिख दो, COT, स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है कि नहीं, सेम टू सेम, हमको यहाँ सेक दिखा, इसमें भी सेक दिखा, लिख दिए, इसमें भी टी दिखा, इसमें भी टी दिखा, ये भी लिख दिए, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। जब ये सेक कॉसेक बन सकता है तो 10 कॉट भी बन सकता है, और दोनों का क्या होता है 1 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों समझ में आया होगा। 4 नंबर ग्रुप आप याद रखिएगा, पहला वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, दूसरा मामला को सेट कर दो, तो मामला को जब सेट करोगे तो से सेक हो जाएगा और टी से 10 हो जाएगा, तो जब उस मामला को आप सेट कीजिएगा तो हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा 10 थीटा। ठीक है, लेकिन स्क्वायर तो रहेगा ही, क्योंकि ई ग्रुप में 4 नंबर ग्रुप में स्क्वायर रहता है, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में ये था, तो सेक किसी और में आता है नाम, तो आता है ना कौसेक में आता है, किस में आता है कौसेक थीटा में, और टी भी किसी में आता है तो कॉट में आता है, अब बराबर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो COT है, थोड़ा सा फास्ट लिखते समय से हो जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे इस सेक थीटा को उठाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 कर देते हैं, 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपसे पूछे कि सेक थीटा का वैल्यू बताइए, खाली सेक थीटा, ओनली सेक थीटा, तो सेक को अकेले करेंगे तो पहले 10 को दूर करते हैं, बड़ी दिन से पास में है भाई, ज़्यादा पास करने से नज़दीकी बढ़ेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर
थीटा हो जाएगा, स्क्वायर रूट अकेले हो गया कि नहीं सिक्स। तो इस हिसाब से क्या मान लीजिए कि एक फॉर्मूला से एक दो तीन फॉर्मूला बन सकता है, तो जब टेन निकलेगा तो वो भी तीन होगा, तो तीन और तीन कितना हो गया छः, यानी इससे भी छः, इससे भी छः और इससे भी छः, ठीक है, छः छः बारह छः अट्ठारह, तो ऐसे ही फॉर्मूला बन जाएगा। और यही बार बार घुमा घुमा पूछता है तो बच्चा को डाउट हो जाता है कि बॉ ये कहाँ से फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला कहीं से नहीं आता है, मात्र छः फॉर्मूला, तीन ये तीनों वन वाला है, तीन ठो ये फॉर्मूला, ये भी तो नाम याद करना है ना, ये तो नाम याद करना है, मात्र छः फॉर्मूला से 32 फॉर्मूला बना है, कैसे, तीन ये और तीन ये, और तीनों क्या है, तीनों बाबू यहाँ देखिए तीनों वन वाला है, इसका भी वन, इसका भी वन, इसका भी वन, ये भी क्या होता है वन होता है, ये भी ट्रिक बता दिए हैं, इसका भी ट्रिक बता दिए हैं। अब ये छः फॉर्मूला से जितना आप फॉर्मूला बना लीजिए, तो अगर बहुत ही मज़ेदार लगा हो, ठीक है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिसको त्रिकोणमिति से नफरत है ना, आई गारंटी कि त्रिकोणमिति से मोहब्बत करने लगोगे, इतनी आसान, इतना आसान बना देंगे आपको। इसके बाद वाले भी टॉपिक जो पढ़ने को मिलेगा साइन तीस कॉस तीस, उसका तो बहुत सारा ट्रिक आप लोग देखे होंगे, लेकिन इस बार फिर कुछ नया करना है उस ट्रिक में, ताकि और मज़ा आ जाए और मैथमेटिक्स आपको कभी बोरिंग नहीं लगे। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।